الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सारे मोहब्बत नाल पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या मकीन कुलूबिल मुमिनीन हमद सना द्रो दे खतमुल अंबिया लहु तहियतो व सना तो बाद नहायत ही वाजिब अल एहतराम मुजाहिद आले सुन्नत मुनाज़िर आले सुन्नत आलम बामल उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएब हुसैन चिश्ती साहेब सदर मुदर्रिस खानका चिश्तिया मंडी फैजाबाद दीगर उलमाए अहले सुन्नत हुफाज़े इकराम मेहमानान ग्रामी हाजरीन व सामईन अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सालाना जलसा मिलाद शरीफ दा भाई मोहम्मद शबीर हुसैन साहब बड़े मोहब्बत और जोक शौक नाल इहतमाम फरमांदे ने। अल्लाह तआला जल्ला शानहु इन्हां दी खिदमत अपनी बारगाह विच कबूल फरमा के दोवां जहानां दीआं बरकतां रहमतां अता फरमावे। जितने साथी दूर नज़दीक तो तशरीफ लैके आए हो सब नूं कदम कदम ते अल्लाह तआला जल्ला शानहु नेकियां नसीब फरमाए। हम सब दी हाज़री कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते ज़रिया निजात बना दे। जनाब के सामने मुख्तसर वक्त के अंदर जिस मौजू ते कलाम करने का इरादा है उसका उनवान है अजमत कुरान। कुरान मजीद फुरकान हमीद की शान अजमत जनाब के सामने चंद मिनटों के अंदर मैं पेश करके इजाजत चाहवागा। वक्त मुख्तसर एक तकरीबन घंटा चार पौने चार पौना को घंटा इंशाअल्लाह थोड़ा ना खिताब होना साउंड वाला किधर नस गया फिर इन किवें चला छड़े तो बाद कोई खोल दे यार इन्हें बटन सारे उतना कर दो नहीं होता तो आप चलो किसी पासे लगेगा और राशद वे कहते वे बटन जड़े ना थोड़े उतना कर तो एक जी आवाज डबल डबल हो रही है कि सीधिया करे आया भी है भला सीधिया तो कर जाए वेखना आवाज दो दो आवाजा आ रही है तीन तीन आवाज तो अगर चार चार डबलिंग कर रहे हैं पता नहीं उन्हें केड़ा बटन नप छटे इन्हें नालों तो मसीत वाला स्पीकर ला ले होंगे तो ठीक चंगा भला बच्चा साउंड चलांदा है तो जान बुझ के खराबी कर गया। वक्त तो पाबंद होना चाहिए अगर ना तो बच्चे पढ़िया ने इन्ना जोर लग रहा ठीक है खोल दे खोल थोड़ा और खोल दे जान बुझ के बटन नप के आप कट हो गए।
अदीदाने ग्रामी अल्लाह ताला जल्ला शानहु सोने महबूब दी ज़ुल्फ़े वल्लैल दे सदके सानू सब नू दीन दी समझ अता फरमावे। अजीज दोस्तों हक ताला जल्ला शानहु ने सानू इंसान बनाए उस जात दा बेहद शुक्र है कि उस जात ने सानू मुसलमान बनाया, मुसलमाना दे घर पैदा फरमाया। ओ बेनियाज जात दा जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है, एक एक नेमत दा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। और जेड़ी दौलत रब सोने ने सानू दीन अली अता फरमाई है ना, सब तो वड्डी दौलत है। जेडे बंदे को शरीयत का एक मसला समझ आ जाए ना, भी शरा पाक का मैनू मसला, वो समझे कि मेरे को बहुत बड़ी दौलत आ गई है, बहुत बड़ा खजाना आ गया, मैनू शरीयत दे ऐस मसले का पता लग गया। शरा पाक का बहुत बड़ा मकाम है। ते जे मिलिया ये शरीयत पाक का उस्ताद सी ना एक, ते वो आखे करे कि इलम का बड़ा मुल है, बड़ा मुल है, बड़ी शान है, बड़ी कदर है, बड़ा ही मुल इनका मुल दे ही कोई नहीं सकता। तो वो शागिर्द गया एक दिन मोची को जुत्ती घड़ाने वास्ते, ते मोची नू जा कहिंदा भी जुत्ती नू मेरी नू टांका ला दे, ते मैं तेनू शरीयत दे दो तीन मसले समझा देना, ते पैसे मेरे को कौन ही। उन्हें आख्या मैं शरीयत नू नहीं समझदा, मैनू पैसे दे, पैसे दे, मैनू की लगे मसलियां नाल, मैं तो टांके लाने ने पैसे दे। वो बड़ा परेशान होया भी सानू निक्कियां हुंदियां तो ला के वड्डियां तक उस्ताद ही आंदा रहा भी शरीयत दा बड़ा मुल है, दीन दा बड़ा मुल है, दीन दी बड़ी कदर है, बड़े ही इंदा मुल, इंदा मुल दे ही को नहीं सकता। तो मैं तो मोची नू दस्या, तो मोची नहीं मनिया, दो रुपये भी मुल नहीं पिया, पांच रुपये टांके दे होने ने, उन्हें टांका नहीं छड्डिया। बड़ा परेशान होकर उस्ताद को चला गया। उस्ताद नू आंदा, उस्ताद जी निक्किया हुंदिया तो लैके तुसीं सानू यही दसदे रह जे भी दीन दा बड़ा मुल है, बड़ा मुल है। मैं ते जुत्ती मोची नू आख्या मेरी गंढ दे, ते उहनू मैं कहा तैनू दीन दे दो मसले समझा देना, तू इस दे बदले मैनू जुत्ती गंढ दे। उहने आख्या पैसे दे, मैं नहीं जानदा मसलियां नू, मैनू पैसे दे। आपने फरमाया ओए बेवकूफ शागिर्द, इंज कर भी आपने हीरा दिता उस्ताद ने, एक महंगा मोती दिता भी जा लगा जा इस हीरे दा, जाके पुछ ओ उत्थे दुकान करियाने वाली तू या कपड़े वाली नू आखे भी यार आ लो, आ सब्जी वाले कोलों इहदा मुल पुछिया। ओ गया चल सब्जी वाले नूं भा यार इहदा मुल ते ला, मेरे कोल इक मोती है महंगा जिहा ते ए इहदे बदले पैसे ला। उहने आख्या भाई इहदा की मुल आ, इत्थे रख जा मेरे फटे ते, बाल मेरे खेडदे रहणगे, तू दो तीन गाजरां फड़ के लै जा, दो तीन खीरे फड़ के लै जा, होर इहदा मुल की। आंदा वापस आया उस्ताद जी उन्हें तो दो तीन खीरे दो तीन गाजर मुल पाया उन्हें। आपने फरमाया हुण इसे मोती नू लै जा सुनियारे कोल, बोलो तो सही ना खैर होवे, सुनियारे कोल लै जा ते उन्हू आख भी इहदा जरा मुल ला दे। हाजी इहनू सीधा कर, आप डबलिंग बंद कर जिहड़ी बार बार आवाज आ रही, सुनियारे कोल लै जा ते इहदा मुल लावे। सुनियारे कोल जदों उह शागिर्द लै के गया मोती, ते सुनियारे ने आख्या आ गया, सुनियारे ने आख्या भई ओ अल्लाह दे बंदे तू लिया कित्थों। उन्हें आख्या भी ये मोती कित्थों ले आई। आंदा मेरे उस्ताद ने दिता इहदा मुल दस। उन्हें आख्या मेरी सारी दुकान भी लुट के लै जावे ते इहदा मुल पूरा नहीं होना, सारा मेरी दुकान च जिन्ना सोना पिया है सारा लुटे ते इस मोती दा मुल पूरा नहीं होना। ते वापस आ गया उस्ताद जी ए ते मुल बड़ा लग गया, उहदा मेरी दुकान लुट के लै जा सारी ते मुल फिर भी पूरा नहीं होना। उस्ताद ने फरमाया भी खुदा दे बंदिया तू जो जदों हीरे दा मुल जाके सब्जी वाले नूं पुछेगा ते उहनूं की पता लगना है, भाई तू मोची नू जाके शरा दा मसला दसांगा उहनू की पता भी शरीयत की हुंदी। शरीयत दा कदर पुछणी है ते फिर किसे फकीर कोल जाके पुछ, अल्लाह दे वलियां कोल पुछ। रब वाहदहु ला शरीक मौला ने एवें सुणियो, असां लोकां नू दीन पाक दी अज ओ ज़हन चों ख्याल कुरान दा कदर दिल चों निकल गया, तां करके एक डब्बा इत्थे रखना सी, एक इधर रखना सी, तां आवाज़ हुंदी कि पहले उंज सिस्टम लाया सी।
सिस्टम यार तू सियाना बैठा बंदा को साउंड लाने वाला सिस्टम ला होता जिमें लाई दूंगा वेखना हूँ को आवाज़ मेरे कान च आँदी को नहीं भी पता नहीं कितने साउंड लगा है तुम कितने बैठे हो कोशिश करे को डब्बा एक होर लै आना सी खोल सो होर खोल दे आवाज़ को बाहर निकले तो मैं अर्ज कर लगा सा भी हूँ जेड़ा एक बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए आम बंदे नू की पता जेड़े बंदे ने आखना मेरा मुंडा थानेदार बनया यार वेख उहदे पैसे किन्ने होंदे ने उहने ते वेखनी दुनिया ते बच्चा कुरान दा हाफिज़ हो जाए क़यामत वाले दिन उहदे सिर ते ताज होवे ऐसे ताज दी रोशनी जिहड़ी सूरज नालों भी ज़्यादा होवे ते शान दा पता ते उत्थे चल के लगणे इत्थे किवें पता लगेगा। अल्लाह पाक सोने ने कुरान मजीद फुरकाने हमीद दे अंदर इरशाद फरमाया इरशाद रबानी वानो नज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह जल्ला शानो फरमांदा है असा कुरान नु नाजल फरमाया अज ओ कुरान जेड़ा मेरे सोने परवरदिगार ने नाजल फरमाया सी ओंदी शान रब आप बयान फरमांदा है। अल्लाह फरमांदा है असा कुरान नु नाजल फरमाया इंदे विच शिफा है नाले रहमत है इस कुरान दे अंदर शिफा है वे रहमत है वे शिफा ते रहमत दो चीजा ने यह मिल दिया किन्ना ने अल्लाह सोना फरमांदा है शफात रहमत मोमिना वास्ते रखी है। अल्लाह सोने ने कुरान दे अंदर शिफा रखी है ते मिलदी मोमना नू ईमान वालिया नू मौलवी साहब सारा जग ईमान वाला है मैं क्या खुदा दे बंदे आओ ईमान वालिया नू ते कुरान शिफा देंदे जिदा अपना पुख्ता ईमान रखदा सी मैं खैदर वी अज दा कल्ला कल्ला बंदा परेशान है करिया सीना भी पढ़ाई जा रहे अपने घर कुरान दियां तिलावतां भी करा रहे पर है परेशान कुरान नू फायदा नहीं दे रहा हो कुरान फायदा उदों देवेगा। मैं क्या मुसलमान भाई है दरवी साढ़े वडेरे बजुर्ग लोग जेड़े सन उते कुरान दे गलाफां कोलों फायदा लै लेंदे सन साड़ियां मावां ते नानियां कुरान दे गलाफ धो के बच्चा बीमार होना उन्हां पिया देना शिफावां मिल जानियां अज भी साढ़े सामने अल्लाह का कुरान मस्जिदा में पिया हो उत्ते कट्टा पै रहे अज सानू कदर कोई नहीं अल्लाह दे कुरान नू सियोंक लग गई मस्जिदा में चुकना पैंदा है जदों चुक के किधरे लियाई दे इंज जनाब कीड़े लगे पै ने पता नहीं वी साल हो गए ने कुरान खुले नहीं पिछे मिला दिया मिला बनाई जा रहे कुरान को शिफा है रहमत है पर सानू लैण दा वल कोई नहीं रब ने कुरान शिफा रखिए रहमत रखिए पर लैण दा वल कोई नहीं किवें ओए मुसलमान वीरा कदी गौर नहीं कीते साडे बाबे कुरान नू वेख के हथ बन के कन्न कुरान अल्ले नहीं सन करदे पिछे कर लैंदे सन जिन्नी देर कुरान नजर आउंदा रहिंदा सी उहनां ने इधर कन्न करनी नहीं अज दा मुसलमान ओ कुरान अले जुमले वल्लाहु खैरुर राज़िकीन कुरान शिफा किवें देणा है अपनी थ्रैशर मशीन ते जिथे दत्था लांदा है उत्थे लिख छड्डे अल्लाह दा कुरान वल्लाहु खैरुर राज़िकीन अल्लाह बेहतर रिजक देण वाला है आदा जी मेरे रिजक च बरकत हो जानी है मैं क्या दत्थे लाण वाला उत्ते पैर रखी बैठा है ओ पैर रख के उत्ते बंदा बह जांदा है मशीन दे उत्ते कुरान लिखिया है पर लिखण वाले ना जानदे नहीं ओ कलम उहनां दे हथ आ गई उहनां दे हथ आ गई जिवें हीरे दा मुल सबदी वाले कोलों पुछण लग पिया ओए बेलिया जदों हीरे दा मुल सुनियारे कोलों पुछेगा पता तां लगना है ओए मुसलमान भाई है दरवी इस कुरान दी कदर उहनां नूं की पता जिन्हां लोकां ने
दुनिया की तलीम लई होवे, जिन्हां दे ज़हन च दुनिया की तलीम आला होवे, कुरान की तलीम अदना होवे, उन्हां लोकां नूं कुरान की समझ ना आउणी, ना अदब आउणा। आ मेरे शेरे रब्बानी सरकार नूं कुरान की कदर है सी, मेरे अली वर्गे ते बाबे फरीद वर्गे जिन्हां लोकां ने कुरान नाल यारी लाई सी, सारा सारा दिहाड़ अल्लाह दे कुरान नाल दिन रात रहिंदे सन। मियां शेर रबानी सरकार फरमांदे सन, लोको अंग्रेज दी जबान कदी बगैर माणिया दी नहीं जे पढ़ी, रब दा कुरान बगैर माणिया दे पढ़ी जांदी हो एवें किवें समझ लगनी। आंदा अंग्रेजी दी समझ नहीं आउंदी अंग्रेज दा माणा ना जाणी, ते जे अंग्रेजी दी समझ नहीं आउंदी बगैर माणिया दे ते कुरान दी समझ किवें आउणी। तां करके जदों असां लोकां ने कुरान नूं कंढ कर छड्डी, फिर ओही अज दा मुसलमान इसे कुरान कुरान भी पढ़ रहा वे, सुबह सपारा भी पढ़ दे, नाले सूद भी खा रहा है, सपारा भी पढ़ दे, हराम भी खा रहे, अल्लाह दा कुरान भी पढ़ दे, पर दीन दी समझ नहीं। ला इलाहा पढ़न वाले आ एक सादा कुरान मजीद पढ़ लेना है, एक कुरान नू समझ लै, इंदे विच जमीन आसमान दा फर्क है। क्यामत वाले दिन रब कुरान दे हाफिज नू हुक्म फरमाएगा, वेखना शान कुरान दी, जेड़ा कुरान नाल यारी लाएगा क्यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू हुक्म फरमाएगा हाफिज़े कुरान नू अपने खानदान दे 10 बंदे जन्नत ले जा, 10 बंदे जिन्हां ते जहन्नम वाजब हो चुकी उन्हां 10 बंदियां नू जन्नत ले जा। अल्लाह हाफिज़े कुरान नू फरमाएगा, मैं पुछना चाहना हाफिज़े कुरान ओ जेड़ा आप बख्शिया होया होवेगा ओ 10 बंदे जन्नत ले के जावेगा, जे हाफिज़े कुरान आप ही ना गया जन्नत ते उहदे नाल दे किवें जाणगे। पहले हाफिज़े कुरान कुरान ते अमल करन वाला होए, हुण ए हाफिज़े कुरान दी शान है, जिन्हें कुरान जबानी याद कीते ते जिन्हें कुरान दे माने याद कर लए ने, जिन्हें कुरान दे अल्फाज़ां दे माने याद कर लेने, इहदा मतलब समझ लिया वे कि कुरान रब दा साडे नाल की खिताब फरमा रहा वे। उन्हां वास्ते मेरे परवरदिगार दा ऐलान होणा है क़यामत आले दिन, आलमे दीन जिहड़ा कुरान नूं समझ जावे, इस्लाम नूं समझ जावे, उहनूं रब हुक्म फरमाएगा, हाफिज़ नूं हुक्म होवेगा 10 बंदे अपनी बरादरी दे अपने खानदान दे जन्नत लै जा। आलमे दीन नूं हुक्म होवेगा सच्चा जड़ा दीन ते अमल भी करे ते उंदे मुताबक जिंदगी गुजारन वाला भी होवे, उहनूं रब हुक्म देगा जन्नत दे बोर अगे खलो जा, ते जिन्नू तेरा जी चांदा है ते जिन्ने तेरा जी चांदा है जन्नत लै जा। कुरान नूं जिन्ना समझिया है उन्हां दी शान है, मेरे शेरे रबानी वर्गियां दी, इमाम अहमद रिजा वर्गियां दी, फजले अहमद चिश्ती वर्गियां दी, जिन्ना कुरान नूं समझ लिया वे उन्दे ते अमल कर लिया वे, जिन्ना दी निगाह दे अंदर ओ मिट्टी ते सोना बराबर हो जाए, कसम खुदा दी उठा के आखना इस जहान दे अंदर अगर खाली पैसे कमाण दी गल हो, मेरे उस्ताद फरमांदे ने सानू आवाज भी रब सोहणी दित्ती, अंदाज भी सोहणे ने, पैसे बड़े कमा सकदे ने पर नहीं। फजले अहमद चिश्ती ने तारीख दे अंदर पूरी तारीख वेख ली, इस्लाम जिन्ना चिर आपदी जिंदगी मुबारक है वे गुजरी है, जो बाकी रह गई अज तक कोई मां दलाल साबित नहीं करेगा के फजले अहमद चिश्ती ने कुरान की खातर पैसे मुल लए हो, या मुल लवाया हो, या पैसों की खातर
तरह आपने कभी इवें निजाम बदल दिता हो पैसों की वजह तो जड़ा बंदा पैसे देवे उनका लिहाज ज्यादा किया हो दूसरों का ना 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 आपने उही उसूल रखा वे शरीयत मुस्तफा वाला अगर कोई मोचीए कोई तेलीए तरखाने जिन्हें भी वली वेखेगा सारे का यह उसूल से ना जट्टा इज्जत देंदे सन ना मलका ना महारा ना राणिया अल्लाह दे वली दी बारगाह दे अंदर हमेशा परहेजगार दी रहिए अल्लाह सोने ने फरमाया कि जेडे मेरे प्यारे ने परहेजगार होंदे ने बंदा जेड़ा भी परहेजगार हो जाएगा अल्लाह दी बारगाह च जदों उहदा मकाम होना है ते वली दी निगाह विच भी उहदी कदर हो जानी अल्लाह दे वली दी निगाह विच अगर कदर बनाना चाहना है परहेजगारी इख्तियार कर ले परहेजगारी किवें आउणी है अल्लाह दे कुरान दे खिलाफ चलिया नहीं रब दे कुरान दे मुताबक चलिया परहेजगारी आउणी है ओ मेरे सोहणिया वीरा ला इलाह पढ़न वालिया ओ लोग मर गए मैं हैरान हो गया अज मेरे रब जिन्हों अल्लाह दे नां दी कदर दा पता नहीं जिन्हों सोने मुहम्मद मुस्तफा दे नां दी कदर दा नहीं पता ओ की जाने कि कुरान की हुंदा है बिलिया रब दे कुरान दी कदर ओए अल्लाह दे फकीरां कोल आउंदी आ तां करके वे मेरे मुर्शद करीम मेरे हजरत साहब किबला आप नूं असां वेख्या वे एक दिन मदरसे दे तालिब इलम नहर दे विचों खजाना लैके आए ने खजाना कुरान मजीद जिहड़े लोकी नहरां विच रखदे ने बहा देंदे ने ओह खजाना विच जमिया रहिंदा वे मेरे मुर्शद करीम दे आस्थाने शरीफ दे तालिब इलम आप गए ने खजाना लैण मेरे मुर्शद करीम ने फरमाया नेड़े हो जाओ मेरा दिल करदा है मैं तुहाडे पैर चुम्मा उन्हां दे पैरां नूं हथ ला ला के अखां ते लांदे सां क्यों पैर ने जिहड़े रब दा कुरान चुकण वास्ते नहर च आ गए सर्दी दे अंदर ए नहर च पानी च लगे फिरे ने अल्लाह दे कुरान दी कदर जिन्हां नूं ऐसी जमाने दे अंदर बड़े बड़े पीर तेनूं नजर आउणगे बड़े बड़े गदियां वाले बड़े बड़े वड्डे वड्डे कसम खुदा दी इस फकीर दी फकीरी तों सदके जावा जिन्ने 700 दे करीब कुरान महल इस पाकिस्तान च बनवा छड्डे अल्लाह दे कुरान दी हिफाजत अगर वल सिखिया है ते सारे दरवेशां ने मेरे हजरत साहब कोल उहनां नूं कदर है सी अल्लाह दे कुरान दी तां करके उहनां जमाने वालियां नूं नहीं वेख्या कि लोग की आखणगे मैं अरूरी तों अल्लाह दा कुरान वाला वरका चुकण लगा मैनूं लोकी की आखणगे उहनां ने कदी सोचिया नहीं सिर्फ यही सोचिया है यार लोकां ले नहीं वेखीदा अपने रब वल्ले वेखीदा रब वाहदहु ला शरीक दा नाम है पर की करिए अज दे इंसान ने किवें जिंदगी गुजारी अल्लाह सोने दा नाम है नसरुल्ला नाम लिखे है किथे लिखे है ट्राले दी कंध ते मुहम्मद अली नाम है किथे लिखे है आंदा जे ट्राले दे फट्टे ते लिख छड्डे है आंदा मुहम्मद हसनैन है ट्राली दी वाड़ ते लिखे है आंदा महर बरादरे जट बरादरे सद्दू बरादरे वड़ैच ते आ रहे अगे बेलिया नाम लिखे ने मैं पुछना चाहना बेलिया कदी गौर भी कीता ट्राली उत्ते ना ते तेरा आ गया मुहम्मद बख्श मुहम्मद हुसैन मुहम्मद सरवर मेरे नबी का ना है उस ना दे उत्ते जो ट्राली दे तो रूड़ी सठेगा उत्ते रूड़ी आ जाएगी ओए गोबर मेरे नबी दे ना ते लगे ते सानू इज्जतां किवें लभणियां ने अगर इज्जतां लैणा चाहना है मेरे नबी दे ना दी बेअदबी ना करी सुल्तान बहु सरकार फरमांदे सां बेअदबा ना सार अदब दे ते ओ गए अदबों थी वादे ਹੋਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹ
कदे ना बन दे कांजे जड़े मुड़ कदीम देखेड़े होने ओ कदे ना हो दे रांजे जिन्ना अदब ना सिखिया मेरा कामिल बाहू ओ दोई जहानी वांजे बंदे बह गए पैर उच्चा कर लिया किसी ने मैं वेखिया बस दे सामने फ्रंट दे लिखिया माशाल्लाह तालिबे इल्म मुंडे स्टूडेंट जेड़े ने जुतियां लैके बस दे टूल दे उत्ते बैठे ने जुत्ती अल्लाह दे नाम दे नाल लग रही मुसलमान बेज़मीरी क्यों मल ली अज साडे कोलों अल्लाह दे कुरान दी नबी दे नाम दी इंज बेअदबी हो जावे थां थां ते इश्तहारां ते गलियां ते बाजारां ते लिख देवे मेरे रसूल दा नाम एडे सस्ता हो गए अज गलियां विच रुलदा नजर आउंदा वे ए ना ओ सी जिंदे बारे हजरत आदम अलैहि सलाम फरमांदे सा अपने पुत्र हजरत शीस अलैहि सलाम नो मेरे बच्चे आओ मेरे तो बाद तू मेरा खलीफा बनना ही मेरा खलीफा बनना ही एक गल मेरी याद रखी जदों भी अल्लाह दा जिक्र करें अल्लाह दे जिक्र दे नाल नाल इस्मे मुहम्मद दा भी जिक्र करना इस्मे मुहम्मद दा जिक्र करी क्यों मैं इस नाम नो अल्लाह दे नाम दे नाल अर्श ते लिखिया वेखिया आई मैं इस नाम नो जन्नत दे चारे पासे लिखिया वेखे जन्नत दे हर महल ते लिखिया वेखे महल दे हर कमरे ते लिखिया वेखिया वे मैं इनू हूरा दिया दो अखा दे दरम्यान लिखिया वेखिया आए नाजमत वाले इंदी कदर करी यार हजरत आदम अलैहि सलाम अपने बेटे नू दस रहे ने मुसलमान अज आपा केड़े मोड़ ते पहुंच गए हां अज साडे सामने को गल अदब दी करे आंदा मेरा मुंडा ही ओ मैं आख्या मुसलमान सूरतुल फील अगले दिन कबाड़ खाने विच गया वा वेख्या ते अलम तर कैफ फाल रब्बुका बि असहाबिल फील सूरत लिखी इस्लाम याद विच कबाड़िया जुत्ती सने उत्ते चढ़ गया ओ मैं कह कसम खुदा दी तू कारोबार ना करे आंदा की करिए साडी मजबूरी है साडा कारोबार है मैं कैसे कारोबार नू अग ला दे जिहड़ा कारोबार कुरान उत्ते जुत्तियां लावे ऐसे कारोबार नू की करना ही चलिया मर जु गए असा ऐसे कारोबार नू की करना ही आंदा मजबूरी है इस्लाम याद दियां किताबां दे विच लिखिया दा जे लोकी दे जांदे ने रत्ती दे विच कुरान विकदा पिया वे वेचिया किन्ने मुसलमान दे पुत्तर ने जमाता पढ़ के कुरान वेचिया वे रद्दी आले ने कबाड़िए नू दे दित्ती ओ कबाड़िया जुत्ती सने उत्ते चढ़िया फिरदा वे कदी किसे कबाड़िए दी दुकान ते वेख्या जे दसी कि चिश्ती सच आंदा सी कि नहीं कबाड़िए दी दुकान ते सूरत फील लिखी सियासीन ते अल्फाज लिखे ने सूरत एनिया ने लिखिया ने इस्लाम याद दे अंदर ने ओ ते जुत्ती सने इंज जावे ट्रक जलावे इंज मारे आंदा कोई गल नहीं मैं कह से कुरान नू इन्हां ने पता नहीं की बना देने ओ फैक्ट्रियां वाले ओ बेईमान ओ
क्यों कुरान छाप दे जे जदों किसे पढ़ने ही नहीं पढ़न वाले कोई नहीं छापदा क्यों है कुरान अलमारियां भरियां पईयां ने मस्जिदां दियां रोज फैक्ट्रियां छापण दियां ने ओए चलिया जदों फैक्ट्रियां विच कुरान छपेगा उदों कदरां नहीं रहणियां ते जदों सोनिया दे गलाफ विच कुरान रहिंदा सी डब्बे लकड़ा दे उत्ते सोनिया दियां पत्तियां ला ला के औरंगजेब आलमगीर दे दौर च जदों कुरान नूं रखिया जांदा सी ते हथ नाल कुरान लिखिया जांदा सी एडा एडा मोटा कुरान हथ नाल लिखिया जांदा सी ओए मुसलमान भाईआ जदों तेरे मुल्क दे बादशाह ने उहनां नूं कुरान दा लफ़ज पढ़ना ना आवे ते ओ साडा माहौल एवें दा थले बण जाणे एक तो मुंडा मैनूं आ मैं कहा यार तेरा बच्चा कुरान दी बेअदबी कर रहे आंदा की करिए हुण जमातां वी ते पढ़नियां ने मैं कहदियां जमातां दी खैर करी दे ईमान दी ना सोची अगर इहदा ईमान ही जाया हो गए ते की करने जमातां नूं ओ छल्लिया कुरान थले रख के बह जावे इहदियां जमातां की करनियां ने तो जमातां नूं रोना है मैं इहदे ईमान नूं रोना वा ईमानदारी नाल दसी ओए अगले जहान जन्नत जड़ी ईमान वाले नूं लभणी है या बेईमान नूं आंदा जी ईमान वाले नूं ते मैं कह तू आने मैनूं जमातां दी पई है चल चलिया जमातां नूं रहण दे अनपढ़ लै जावी ते गुवारा कर लई पर रब दे कुरान दी बेअदबी गुवारा ना करी आंदा भुखा मर जावां मैनूं मिट्टी खानी पै जाए गुवारा करी ए ओवें गल है जिवें मैं अगले दिन जुमे ते कीती तुसां याद होणा कि एक बंदा आंदा जी मैं 80 वारा दरूद पढ़ रहा मैं 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िया है कांदे वास्ते आंदा जुमे दी नमाज तों बाद 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है 80 सालां दे गुनाह माफ हो जाणे ने मैं कहा ठीक है बेलिया आंदा जी असीं बाहर निकले मैं कहा आजा यार चली आंदा जी मैं 80 वारा दरूद शरीफ पढ़ लां फिर नाल तेरे जन्ना बाहर निकले मैं कहा किन्नी वारा पढ़िया आंदा 80 वारा पूरा कराया मैं कहा क्यों इहो जी लिखिया सी 80 वारा दरूद शरीफ पढ़ो तुहाडे 80 सालां दे गुनाह माफ मैं कहा तेरी उम्र किन्नी हो गई आंदा जी 38 साल मैं कहा 42 साल ते तेरे एडवांस माफ बई तेरे 42 साल ते एडवांस हो गए ने आंदा मैं कहा ये दस तेरे बच्चे किन्ने ने आंदा बच्चे अलहमदुल्ला तीन ने एक कुड़ी दो मुंडे ने मैं आख्या गल सुने ये गुनाह माफ किने करने है रब ने तो मैं आख्या जेड़ा रब नूं रब ना मन्ने उहदे माफ करेगा आंदा लो जी उहने किथे माफ करने ने मैं आख्या तू रब नूं रब मन्ना आंदा हुणे ते जुमा पढ़ के आया मैं रब नूं रब मन्ना वा ते तां मैं आख्या गल सुन मैं आख्या तेरे बच्चे तैनूं चौथा क्यों नहीं आया बच्चा जो आखर जो अल्लाह ताला दे जो देण है को बीबी बीमार हो गई है या तू बीमार हो गए तीन बच्चे ने चौथा बच्चा क्यों नहीं आंदा जी मनसूबा बंदी करा ली मैं क्या हूं तू दस तू रब नू रब मानना है आंदा ते होर ते मैं क्या भी मनसूबाबंदी क्यों कराई है जी बस माहौल जो इवें दा बन गया भी बच्चे चौके हो गए तो कितों खाणगे निजाम चलेगा उन्हां दा थोड़े बच्चे होणगे तीन बच्चे तो तीन मकान हो जाएंगे दो सत्त अठ बच्चे होने इन्ने मकान इन्ने जगह कितों लैनी पवेगी मैं क्या ये दस तू कह रहा मैं रब नू रब मानना ते जेड़ा बंदा ये अकीदा रखे भी बच्चे चौके हो गए तो कितों खाणगे तो रब नू रब मानदा नहीं जेड़ा बंदा ये अकीदा रखे भी बाल चोखे हो गए ते कितों खाणगे ओ रब नू नहीं मानदा अल्लाह सोने ने आलमे अरवा विच यही आके फरमाया सी भी मैनू रब मानदे जे पहले रब दसो अल्लाह सोने ने नहीं सी फरमाया अल्लाह तो बेला है मैनू इबादत दे लैके मनदे जे कि नहीं ना अल्लाह सोने फरमाया मैनू पालन वाला मनदे जे कि रब मनना इला मनना सौखा है पालन वाला मनना औखा है एक तो दूजे घर अंदर यही रौला हाँ तो जी मैं क्या सरकार रब नू तू रब मनन नहीं दिया ते गुनाह तेरे 80 सालां दे माफ रब ने करने ने तू मन्ने ही ना उन्हों ने माफ किते करने ने एवें बेलिया आंदा मैं जमाता दी पई ओ मैं क्या बेवकूफा जन्नत लभणी ईमान नाल हक ए दसो भी जन्नत ईमान नाल लभणी है कुरान नाल लभणी है या जमाता नाल आंदा मुंडा जमाता चार पढ़ जाएगा कुछ बन जाएगा अल्लाह दे आ बंदिया कुछ बनेगा ते अगे जाके उहदा कोई काम बनेगा ना मैं कह इत्थे ते बन जाएगा ते अगे
अगले जान की करी दा आंदा भी हुण मैं एक मिसाल देने दे लोग मुंडा पढ़ा लिया ने 16 जमात पढ़ा लिया उत्थे रेड़ दा कूड़ एडे एडे रेड़ रेड़ के कूड़ निजाम सारा चला रहा है सूद खादी जा रहा है रिश्वत लवे वड्डे सारे अड्डे ते किधरे लग जावे चंगी उच्ची सीट ते प्यो ने हुण घरों टोरिया पुत्र नूं एडा कु बच्चा सी ए खोरा कागज सी ए वेखो ना ए बच्चे ने भाई अपने शबीर साहब दे दीन पढ़ रहे ने हुण इन्हां दी सोच दीन वाली हो गई आ साढ़े निका जहा बाल नहीं है जेडे बच्चे ना था पढ़ रहे सन अलहमदुल्ला आप किसे शहर के वड्डे मौलवी ने सामने खिलार के सवाल पूछते ने मौलवी जवाब दे जाए इन्हों का मदरसे तो सारे बाल पढ़ते ना साढ़े मदरसे का बाल खिलार लो तो वड्डे मदरसे का जरा अठ साल पढ़िया आलम है उन्होंने खिलार लो एक बराबर साडा मुंडा खिलार दो एक पासे वह करे जवाब इन वो सवाल करे जड़िया ने किताबा पढ़िया ने जिन्या पढ़िया सो सरफ पढ़िए सवाल करे ओ ए देवे जवाब फिर ए सवाल करे उस उस्ताद नू जे जवाब दे जावे सानू नीवी थां ते बाल हके खुदा दे बंदे इलम दीन एवें हुंदा है रसूलुल्लाह दा इलम अलहमदुल्ला और उस्तादा दी मेहनत साढ़े बजुर्गों ने कभी अपनी शो नहीं वहाई साढ़े जिन्हें भी तालब इलम उस्ताद ने हुण साढ़े उस्ताद वेखो माशाल्लाह तुसीं वेखोगे तो इंज लगना जे निक्का जिहा बाल है इंज बछो नहीं भरदे तुसीं आ पाकिस्तान दे किसे मौलवी लिया के सामने बाद उस्तादां दे सामने जे दूजी गल तो हथ जोड़ के उठना गया तो गल कर रहा जी चिश्ती साहब के कदम च बह के जिन्हें इलम पढ़िया ना इलम इंज समझो भी घोल के ही प्या छड़िया उन्होंने घोल के ही प्या छड़िया को समझो गल बार ही अल्लाह ताला वाहदा उला शरीक मौला सोने का फजल खास होंदा है कुरान वाला बंदा अलहमदुल्ला अज तक मैं बड़िया मौलवियों आख्या बार मैं कह यार बार जो पां टां टां करते चिश्ती इंच मैं कह मदरसे आ जाओ मैं कह मदरसे आ जाओ साढ़े उस्ताद ने तुसा वेखना तुसा कहना निका जहा बाल है मैं कह दो मिनट गल कर लो सिर्फ दो मिनट गल कर रहे जे तुहानू तीसरे मिनट अगर उठ के भजना गए जे गल कर रहे जे जाओ जिहड़ा मर्जी वड्डा मौलवी को जिहड़ा टांटा करे ना किसे नूं लै वै करो बोलो खैर होवे सुभान अल्लाह हाँ इंशाअल्लाह उहनां दी परेशानी कोई नहीं हैगी चिश्तियां नूं कदी परेशानी नहीं हुई अगले दिन एक 15 चाकर के मौलवी से आंदा ओ मैं चिश्ती नूं मुकाबला करना इंज करना हुंदा कोई चेला सुणदा पिया तां इधर आवे मेरे नाल गल करे ओ मैं अगले दिन उहदे पिंड टुर गया मैं आ भी इधर तू सुने चाहना ऐलान किया आंदा जी मैं कितने आख्या मैं तेरी रिकॉर्डिंग आवे आ साडे गल कर दो मिनट गल कर लै सिर्फ साढ़े नाल आंदा जी नहीं नहीं वह बस एवं मैंने किसी ने दस्या भुलेखा पाया सी फिर उस चौधरी का तरला कर उस चौधरी का भी आ मौलवी डको और पिंड वाले सारे चौधरी बन के लिया कर साडा जिहड़ा पिंड दरवेश सी उहनूं आखण भी तेरी मेहरबानी मौलवी ना इत्थे लियावी कोई मौलवी ना लियावी मैं आख्या भी तेरे गिटिया च इन्ना ही पानी ते भई गल क्यों कीती उस्तादुल उलमा मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती राजपाल वक्त थोड़ा मैं अर्ज गुजारिश करता पिया था कि सुनो शान अगले जान मैं वो गल करो सब मुंडा खावे थब्बिया नाल रिश्वत लवे वो वड्डी सारी सीट ते लग जाए ये खुश ते इत्थे होवेगा क्या बात है शीदे आ वेख मेरे मुंडे दे टोर वेख आ चेंड तार नहीं पिंड चेंड तार दा बाबा मेरे को मदरसे आया मैनू आन कहिंदा मेरा नां लिया कर हर तकरीर च मैं क्या बाबा जी की गल आंदा भी मेरा नां लिया कर भी मुंडा स्कूल ना पढ़ाओ मैं क्या बाबा होया की आंदा मैं पढ़ा के मैं 2 किले पैली वेच के मुंडे नूं लवाए थानेदार मैं आंदा मैं गया उन्हूं मिलन ते आंदा ये मेरा अब्बा ही नहीं बोलते सही ना खैर अब बोलते सही है सुभान अल्लाह बाबा भी जिंदा है ते थानेदार भी जिंदा है चेंडा तारा दा हैगा जे बाबा मेनू अपना नंबर भी लिखा के गया ते जेडे जलसे च पाकिस्तान च जावे मेरा नाम लेके गल करया कर ते मेरा दस्या कर ना ते खुदा दा ना जे अपने बाल नु एवें दी तालीम ना दिया जे जेड़ा ए सयाने ओ की ओने पाई सी धोती साफा बनया उते झग्गा जा पाया उते पग बन्नी सिर ते ओ गया चलाउण दफ्तर च पुत्र दे दफ्तर च आंदा मेरा पुत्र इत्थे बाहर मुलाजम सोना कि जी कौन कि जी तुहाडा अबू आया उहने कहा ए आया क्यों उहने कहा भी सर जी ए बाबा जे इक धोती जी बन्नी है सर जी सर 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 बाबा धोती बन्नी कौन है उहने कहा यार इहनां नूं उत्थे बाहर बाहर उहने कहा मेरे मुंडे नूं बाहर कढो उहने कहा जी बाबा जी तुसीं कहिंदे हो मेरा मुंडा है ते उह कहिंदा साडे माल नूं पट्ठे पाउण वाला है साफ लफ्ज़ उहने बोले उहने कहा मैनूं उहदे सामने करो प्यो ते पुत्र
आमने सामने हो गए, नाल मुलाजम भी छले वाला अमला भी सारे सामने हो गए। बाबा की इन्हों कही जा रहे, तू साडे डंगरां नूं पट्ठे पाण वाले इत्थे आ के कह रहे कि मैं तेरा बेटा खबरदार मैं तेरा बेटा कि तू साडे डंगरां नूं पट्ठे पाण लगा। प्यो उत्थे रोण लग पाया, पेंट पा के आंदा, कोई शर्ट पा के आंदा, को बाबू को कालर शालर को पफा को थल हाथ च मोबाइल हों, इधर टच हों, पता लगता भी अब्बा फैंसी आया है भी ता पता लगना सी भी थानेदार का अब्बा है। जे कोई दाढ़ी रख के जा गोवे का माहौल बना के तो थानेदार का अब्बा ही नहीं लगना। साफ लफ्ज़ां जो उन्हें कह दिता भी साडे तू डंगरां नूं उन्हें आख्या ओए मैं तेरा प्यो आउंदा लै को गल कर चलो बाबे नूं बाहर कढ़ो। प्यो उन्हें तके दे के बाहर कढ़िया, घर आंदा उन्हें कह लै भी पुत्रा तेरा घर वखरा ही ते मेरा ही वखरा। उन्हें बड़े परंट होई होंदे बूहे ते अपने प्यो दे बूहे ते, भी इहनूं आखो मन जावे उन्हें कह नहीं बस बस आव लीक वज गई, तेरा राह हो रे साडा राह हो रे पुत्र तू हो रे। तो वह फिर ऐलान करता थां थां जाके आंदा भी पुत्र पढ़ाया जे ना मैं पढ़ा के ते प्यो ही नहीं जे बनया, प्यो नहीं जे मन दे। सरकार ऐसी तलीम नू चुल्हे च पाने जिहड़ी प्यो ही ना मन्ने, ते हुण वह तौबा कर गया भी वाकई काम गलत है, ते जे पुत्र खाएगा रिश्वत सरकार ते जाएगा कबर च, ते इत्थे प्यो पुत्र हाफज बन जावे ते पुत्र पढ़े कुरान ते कबर च फायदा हो जाता है, ते जे इत्थे खावे रिश्वत ते इंदा भी ते फायदा होना है प्यो नू। प्यो नू फायदा होना है कि नहीं, क्योंकि कोरा कागज सी टोरिया ते प्यो ने इनू उस पासे प्यो जेड़े पासे टोरिया। खुदा दे बंदे ओ तां गल कर रहे सां उदों कुरान दी कदर है सी जदों औरंगजेब आलमगीर वर्गे हथ नाल कुरान लिखदे सां। हाथ नाल कुरान लिखना जोक शोक नाल आखना खैर होवे सुभान अल्लाह। हाथ नाल औरंगजेब कुरान लिखदे सां, पिंड दे अंदर कुरान आउंदा सी, एक साल बाद कुरान पूरा लिख लेंदे सां। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पिंड विच कुरान आउंदा सी, पिंड सारे विच गोगा हो जाण, ऐलान हो जाने ओ लोको भज के आओ कुरान दी ज़ियारत करो, क्यों अह औरंगजेब दे हथ दा लिखिया होया कुरान आ गया जे, आओ बादशाह दे हथ दा लिखिया होया कुरान आए। उन्हां लोकां नूं कदरां सां नहीं यकीन आउंदा, ते अज तो 50 साल पिछे नजर मार साडे दादियां कोल साडियां हमशीरां मासियां पुफियां दे अगर कोई कुरान बेटी नूं जहेज देण लगदा सी, मिस्त्री तरखान कुरान आला डब्बा बना के लियांदा सी, ओ कुरान आला डब्बा फुल बूटियां ला ला के बना के लियांदा सी। मेरी अम्मा जी दा हाले डब्बा मौजूद है, फुल बूटियां बड़ियां सोहणियां लगियां ने, वेख्या दिल खुश हुंदा है। ओ डब्बा जिहड़ा मिस्त्री बना के लियांदा सी, उस मिस्त्री नूं साडे प्यो दादे कुरान दी वजह तो मज देनी या गां देंदे सां। क्यों भाई अल्लाह अकबर अल्लाह अपनी अच्छा अज आप दान इत पढ़नी है, इतनी जमात करनी है। खैर है, बोलो ना दौक शौक बोलो ना दौक बोलो सोने सुभान अल्लाह। मैं गल कर रहा था भरावो, यकीन जो तुम जो वे बजुर्ग है ना इन्होंने को पुछो जिन्हें उम्र को 60 के नेड़े, इन्होंने पूछा जे भी थोड़े प्यो की वारी वो बीबिया के डब्बे तरखान बना के लिया सर कुरान रखने वाले, उन्होंने आते सर टोया लैके आया बई मिस्त्री भी कुरान वाला डब्बा लैके माशाला बरकत उन्हें फिर लियाने डब्बे कुरान उन्हें मैं जी धी का डब्बा बना के लिया जिंद कुरान रखना है। उन्होंने किसी ने बकरी देनी मझ देनी अगू कुरान की कदर करनी
हाँ जी भी ये कुरान वास्ते डब्बा बना के लिया है ते कुरान लभदा कि तुसीं हाथ नाल जो लिखींदे सन फैक्ट्रियां है नहीं सन ये काफर ने फैक्ट्रियां बनाईया ने कुरान की जिन्नी ये जिहड़ी शै खास होवे उहनूं आम किया जाए उन्नी कदर घट जाती साडा कुरान सी खास ते उहनां फैक्ट्रियां लाईया भी इहनूं आम करो 60 रुपया का कुरान 80 रुपया का हाड़ी दे कारे ते उदार फिर ही आला पिंड महल्ले जान के ऐलान कर दिया कुरान ले लो हाड़ी दे कारे ते ले लो सोनी दे कारे ते ले लो अब मुसलमान आ पिंड होवे मुसलमाना दा ते उत्थे आण के फेरी आला ऐलान करे भी सोनी दे कारे ते उधार कुरान ले लो कदी अंग्रेज दी किताब दा ऐलान होया पैलेट सुपर वन ग्रामर का कदी ऐलान होया भी हाड़ी दे कारे ते लै लो ओनू पता है भी इधरों इनू पैसा लभना है मुंडा पढ़ेगा तो पैसा लभना कुरान पढ़ेगा तो कख लभना नहीं ता करके कुरान नू एडा सस्ता कर दिता है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जेड़ा बच्चा कुरान दा हाफिज़ हुंदा सी ना ओहदे सिर ते पग भी आण के रखदे सन ते ओनू 5 किले जमीन देंदे सन बोलना खैर होवे आखणा चल भी बेलिया इन्नी कु वाह ओनू मुंडे नू आंदे सन इहनू वाह के बना इहदे विच फसल गड ते जे तू इन्नी बना ली ते तैनू होर दे देंगे 5 होर देंगा तू मदरसा बना बच्चे पढ़ा ते इत्थू अपनी कमाई करनी हो जड़ी बाहर तकरीरां करनियां नहीं अगे पिछे दीन करने हुंदे पैसे नहीं लैने बोलना यार गल ते समझ ओ मदरसा बनांदा सी हाफिज कुरान मदरसा बच्चे पढ़ाण वाला ओ पैली च वाही करदा उत्थे दाणे उहना बीजणे अपने जदों इमाम अपने दाणे बीजेगा ते अपने खाएगा ओहदे दाणे होणगे अपने किसे दा काणा नहीं होवेगा ते जदों मिंबर ते पवेगा सही गल्लां करेगा सारियां अपने घर दा चूल्हा चलांदे सन कुरान लिखण वाले जदों बादशाह कुरान लिखण वाले होण बेलिया मुसलमान आ उदों फिर माहौल आपे बदल जाने ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह एक अड़ियाली दा जिक्र करदे आ आप फरमाउंदे ने एक आजड़ी बकरियां लैके आंदा पिया सी रस्ते दे अंदर वेख्या अल्लाह दे कुरान आला वरका पिया सी बाजार दे अंदर बकरियां गुजर गईयां ने मौलाना रोहम फरमांदे ने उस आजड़ी अनपढ़ सी बकरियां कोलों लंघियां ने वरका फड़िया सो उत्ते कुछ लिखिया आंदा मैं जानदा नहीं की लिखिया वे लिया के पिंड दे इमाम कोल पढ़ाया सो आंदा है मौलाना वेख्या जे की लिखिया है उन्हें आख्या ते अल्लाह दा कुरान है आजड़ी टाई मार के रोन लग पिया ओ आंदा है अल्लाह दा कुरान जे वरका है ते अज वेख बाजार च किवें रुलदा पिया वे उन्हें लिया के चाड़िया चुमे खुशबू लाई आण के घर सोहने कपड़े विच बन के जेड़े ढारे थले सौंदा सी उन्हें उच्ची छत दे नाल छतीरी दे नाल बन दिता आंदा तेरा मकाम गलियां बाजारां विच नहीं उच्चा तेरा शान है उच्चा तेरा मकाम है इत्थे उच्चे आ जाओ आ वेख यार अनपढ़ होवे ते कुरान दी कदर करे ते रब ओनू शिफा किवें देंदे हुण रात हुण नमाज इशा दी पढ़ के आए आंदे कुरान दा अदब नहीं होया मैनू पता नहीं माफी मिलनी है कि नहीं मेरियां बकरियां उत्तू लंघ गईयां ने ओ कुरान आले वरके दे थल्ले खड़ा हो गया हथ बन के छत नाल वरका बने कुरान आला थले खलो के रोना शुरू कर दिता सो ऐंदा मौला मैनू माफ करी ए जड़ी बेअदबी मेरे को हो गई हालांकि किसे पहले दा पिया होए उन्हें जान के इंज कीता नहीं आंदा सोनिया माफी दई कुरान आला वरका जमीन ते पिया सी माफिया मंगदा रोंदा है जारो कतार रो रहा है जदों सरगी दा वेला आया अल्लाह दी रहमत जदों आवाज मार दिए रब दी रहमत जदों आवाज मार दी है कोई रहमत मंगण वाला है कोई बख्शिश मंगण वाला अल्लाह दी रहमत दा दरवाजा खुला होया वे सरगी दा वेला होया वे अल्लाह वाहदा उला शरीक मौला ने करम फरमाया वे ओदी दुआ कबूल इंज होई ए ओनू सारे कुरान दा हाफिज बना छड़िया वे सारे कुरान दा हाफिज बन गया वे
शरीयत मुस्तफा दालिम बन गया वे ए दीन भी सारा आ गया अदब दे अंदर मुसलमान अदब कोल होवे ते दीन दी भी समझ ता आउंदी जिन लोकां कोल अदब कुरान दा नहीं ता करके उन्हां नूं समझ आउंदी नहीं। अलहम्दुलिल्लाह कुरान भी पढ़दे ने कुरान दे खिलाफ भी चलदे ने जिहड़ा बंदा कुरान पढ़ जाए वो कुरान दे खिलाफ चलदा नहीं। मैं क्या मुसलमान मौलवियां कुरान भी इंज पढ़ाए नहीं पर मुसलमान भाई आ कुरान की मुखालफत भी सरेआम करदे तेनू ओही नजरे आउणगे। सारिआं तों पहलां इस जग दे अंदर ही अगर मौलवी समझ जाण इस्लाम नूं भी आ साडा इस्लाम है ते यकीन जाण कुछ ना कुछ फर्क पै जाणे कुछ ना कुछ जरूर हो जाणे। अज सब तों वड्डा मुखालफ दीन दा इह बणे पीर बणे इह बणे मैं हैरान हाँ। अज जट बंदे नूं गल सुणाओ ते ओह मन जांदा है मौलवी नूं सुणाओ ते नहीं मनदा। जट नूं आखो भी यार आपां गलत काम करां दा आहो यार गलत कर मौलवी बोलदा लो सारे कर रहे ने साडे वड्डे कर रहे ने तू नवा आ गए एडे वड्डे सारे कर रहे ने। मैं क्या अल्लाह दे बंदिया ओ जदो बादशाह एवें दे होण कि कुरान पढ़न वालिआं नूं जमीना देण। औरंगजेब आलमगीर दे दौर च स्कूल कोई नहीं सी जड़ा कुरान पढ़दा सी ओही हकूमत विच लगदा सी हकूमत च भर्ती ओही हुंदा सी। कौन औरंगजेब आलमगीर जिन्हां दे उस्ताद दुनिया तो तशरीफ लै गए मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे उस्ताद सन। औरंगजेब आलमगीर दे उस्ताद ने आप दा वसाल होया मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने हुण वे औरंगजेब दे वास्ते इम्तिहान आया ओ जदो बादशाह ने परहेजगार होण जिहड़े हत्थां नाल कुरान लिखदे होण ते अमला क्यों ना परहेजगार होवेगा। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दे उस्ताद ने फरमाया मैं जान लगा दुनिया तो मेरा वसाल होण लगा है ते मेरा जनाजा ओ पढ़ाएगा जिंदी सारी जिंदगी तहज्जुद दी नमाज कदा होई नहीं। सुभान अल्लाह मेरा जनाजा उन्हें पढ़ाना है जिंदी सारी जिंदगी तहज्जुद दी नमाज कदा नहीं हुई बादशाह ने हुण जदों जनाजे दा तमाम होया उस्ताद फौत हो गया मैयत रखी गई सफा बन गई बादशाह ने ऐलान कराया भी इस फिर मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह दा जनाजा होवे मुफस्सिर कुरान ओ लैणा बजियां ने पिछे जी जनाजे ते बंदे ही बंदे ऐलान होया भी कोई ऐसा बंदा हैगा जनाजे विच जिंदी सारी जिंदगी तहज्जुद दी नमाज कदा नहीं हुई ऐलान होया कोई बंदा अगे नहीं आया हुण ए हो नहीं सकदा कि अल्लाह दा वली ऐलान करे फरमाइश करे भी ए काम मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिहड़ा जिहदी तहज्जुद दी नमाज कदा ना होई होवे जे उन्हां दी निगाह विच बंदा ही कोई नहीं तो उन्हें एवें दा ऐलान एवें दी फरमाइश रखनी नहीं सी ना वसीयत करनी सी उन्हां दी वो जानदे सन कोई एवें दा बंदा है वो इंतजार करदिया करदा कोई भी लागे आया भी कौन पढ़ावे भी जनाजा केड़ा बंदा जिहदी सारी जिंदगी तहज्जुद दी नमाज ही नहीं कदा होई। आखिरकार इस हिंदुस्तान दी सरजमीन दा जड़ा बादशाह सी औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह आप मसल्ले ते गए ने अल्लाह अकबर कीते जनाजा शुरू करा दिते सलाम फेरिया वे लोग भज के अगे आए वेखिए मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह दा चेहरा वेखण खट आउंदे सन इमाम नूं वेखण ज्यादा आउंदे सन इस दौर च कौन है जिंदी सारी जिंदगी तहज्जुद दी नमाज कदा नहीं हुई वेखिया ते कौन है ए औरंगजेब आलमगीर बादशाह वे आपने बांखली करके आख्या लोगो ए मेरा ते मेरे रब दा एक राज सी मैं अपने खादमा तो भी चोरी तहज्जुद पढ़दा सा क्योंकि नफल चोरी पढ़न दा हुक्म है छुप के पढ़न दा हुक्म है फर्द सरेआम पढ़न दा हुक्म है मैं छुप के पढ़दा सा मेरे खादमा नु भी नहीं सी पता अज मेरे उस्ताद दे जनाजे ने ए राज मेरा खोल छड्या वे
उस्ताद दे जनाजे ने रात खोल दिता है मेरा। फिर ओही जदों बादशाह एवें दे हुंदे सन मुसलमान, उदों ना मुसलमाना दे किसे माल दा नुकसान हुंदा सी, ना मुसलमाना दी इज्जत दा नुकसान हुंदा सी। मुसलमाना दे जदों बादशाह एवें दे हुंदे सन, एक गुजारिश करके इजाजत चाहना तेरा ज़ौक होवे ते आख सुभान अल्लाह। मुसलमाना दे बादशाह जदों इंज दे रहे ने उदों अमन भी हुंदा सी, सुकून भी हुंदा सी। उन्हां नूं पता सी बादशाह कोल जावांगे इंसाफ मिल जाने। एक दिन अद्धी रात दे वेले औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हां दे घर दा दरवाजा खटके आए। माई ने आपने अपने बरामदे तो लैके घर तक एक संगली जंजीर लमकाई हुंदी सी कि रात दे 12 बजे भी अगर किसी नूं जरूरत पेश आवे इस जंजीर नूं खिंच देवे ते उहदा फैसला रात दे 12 बजे ही हो जाएगा। रात दे 12 बजे दिन होवे 24 घंटे उंदी अमदाद होवेगी। रात अद्धी वेले कमाई आई है उन्ने दरवाजा खिंचिया जंजीर खिंची है। जदों औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए ने, बाहर आण के वेख्या एक वडेरी माई खड़ी है, पुछया मां खैरी अद्धी रात वेले अज बादशाह दे दरवाजे ते आ गई। माई रो के आंदी औरंगजेब तू खर सुता पिया वे, मेरी इज्जत डाकू लै गए ने, मेहरबानी कर जल्दी मेरी इज्जत वापस लाया। अगर मेरी इज्जत लुटी गई मैं अपने नबी नु तेरी शिकायत लावांगी, मैं सोने नबी नु शिकायत ला देनी है। औरंगजेब आलमगीर आशिक रसूल सा, आशिक रसूल सा। स्कूल दियां किताबां विच इन्हां नू बड़िया भैड़िया लफ्जा नाल याद करदे ने। मैं तां गल कीती है जेड़ा सुन्नी होवेगा उहदी स्कूल दियां किताबां च तारीफ नहीं लिखी होनी, भाबियां दी तारीफ थां थां ते लिखी होवेगी। बात ध्यान च रखना, मेरे आमद मामा अहमद रजा दी तारीफ नहीं नजर आवेगी। सवाल करना चाहना हूं मेरे भाइया, औरंगजेब आलमगीर अर्ज करते ने मां मेरा इंतजार करी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु शिकायत ना लावी, मेरे आउंदिया तक मैनू इशारा कर दे। माई डाकू केड़े पासे गए नी, इशारा कीता है कि डाकुआं दा रुख दस्या है इधर नू गए नी। आ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सवारी कढ़ी, घोड़ा कढ़े, आप बैठे ने तलवार हथ लई, दौड़ लई, घोड़े नु थोड़ा दिते, थोड़ दिया उधर जंगल च डाकू मुसलमान दी इज्जत नु दरमियान च खलार के चारे पासे खलो के आंदे ने। अज आवाज मार अपने बादशाह नु जिहड़ा लोकां दीआं इज्जतां बचांदा ए, आवाज मार बेटी मुसलमान दी आख दीए औरंगजेब। बोलो तुसी क्यों सौ गए हो? या मर गया वे औरंगजेब, या मर चुकया वे, या बेगैरत बन गया वे। अगर जिंदा हुंदा ते साडी इज्जत लुटीनी नहीं। इनी गल मेरे सोने परवरदिगार ने औरंगजेब दे कन तक पहुंचा दिती है। इधर वे उधर औरंगजेब आलमगीर दे घोड़े दा रुख उस पासे हो गया वे। ओए तवज्जो करी मुसलमान, आपां गिद्दड़ वेखे नहीं, शेर वेखे नहीं, उन्हां दी गल ते सुन अपना कलेजा ठार। असा एक गिद्दड़ वेखे ने, अंग्रेजी गिद्दड़ ने, इन्हां नूं की पता मुसलमान दी इज्जत दा की ख्याल है। ओ जिहड़े मुसलमानां दी इज्जत सरेआम रोड़ा ते नचा के सारी रात मुंडे कुंडे कठिया लगे फिर, ओए अंग्रेजी गिद्दड़ नहीं मुहम्मदी शेर, ओए टीपू सुल्तान वर्गे हुंदे नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी वर्गे, औरंगजेब आलमगीर वर्गे हुंदे नहीं। ओए औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दी सवारी जदों पहुंची, मेरा ईमान आखदा वे ओ घंटिया दा सफर मिंटा विच तय किवें होया वे। अगर 100 कतल करन वाला बंदा ए अल्लाह दे वलियां दी बस्ती अले दो कदम पट्टे ते फौत हो जावे ते जमीन मेची जावे ते उधर वध जावे, उधर वध जावे, अल्लाह जमीन नूं उधर कठिया फरमा सकदा वे। ते मुसलमान दी इज्जत दी गल होवे ते औरंगजेब दे घोड़े अगे जमीन इत्थे भी सुंगड़ सकदी ए। ओ
मुसलमान भाई बात याद रख लैन। औरंगजेब आलमगीर की सवारी पहुंचीए जांदिया चल के आपने डाकुआ ते हमला कर दिते। कोई डाकू इंज मारिया गए, कोई जख्मी होया डिगया, कोई नस गए। कौन जंगल दे अंदर आण के हमला कर ले मुसलमान दी इज्जत नूं जदों आजाद कराया वे डाकू मारे गए। किसे मुफामत कीती नाल लड़ाई शुरू कीती, किसे दे हत्थ नेज़ा आया तलवार आई, उन्हां औरंगजेब नूं वी मारे ने, जख्म हो गए। आप सरकार उन्हां नूं जितण तों बाद जालम जदों मर गए ने डाकू, कोई नस गए। औरंगजेब आलमगीर मुसलमान दी बेटी नूं आवाज मारदे ने, ओ मुसलमान दी बेटी, ना औरंगजेब हाले मरिया है ना बेगैरत बनिया है। बोलते सही है, खैर होगी इंशाल्लाह। ना मरे ना बगैरत बने, मैं जिंदा सां तेरी इज्जत बचा लई। आ बै मेरे पीछे तेरी मां इंतजार कर रही। औरंगजेब आलमगीर जब माई दे सामने उंदी बेटी पेश कीती, औरंगजेब आलमगीर ने पुछया, मां मेरे नबी नु शिकायत ते नहीं उलाई? अर्ज कर दी, नहीं मैं तेरा इंतजार कर रही सां। पुछ मां अपनी बेटी नो डाकुआ दा हाथ इंदी इज्जत ते पहुंचण तो पहला पहला औरंगजेब दी तलवार पहले पहुंच गई सी। डाकुआ दा हाथ नहीं पहुंचया, मेरी तलवार पहले पहुंच गई। माई ने वेख्या ते औरंगजेब नूं जख्म होए सन। जदों दीवे चराग दा चानण होया, आप दे जिस्म विचों खून निकल रहा सी। तवज्जो करिए मुसलमान भाईआं, खून निकलदा पिया है। माई कहंदी, लिया पुत्रा मैं तेरे जिस्म ते पट्टी बन देवा, तेनूं जख्म हो गए ने। औरंगजेब आलमगीर ने एक जुमला बोलिया सी जिहड़ा तारीख दीआं किताबां विच हाले तक लिखिआ है, मुसलमानां दे ज़हन दे अंदर नक्श हो गया केड़ा। आपने फरमाया, मां इस खून नूं जा दे, क्यों यही खून मेरा कल क्यामत आले दे गवाही देगा। औरंगजेब इज्जत लुटान वाला नहीं सी, इज्जत बचान वाला सी। सुभान अल्लाह, फरमाया मां इन खून नु चल दे, कल क्यामत आले दिन यही खून गवाही देवेगा कि औरंगजेब आलमगीर इज्जत लुटान वाला बादशाह नहीं सी, मुसलमाना दी इज्जत बचान वाला बादशाह सी। वाहदहु ला शरीक मौला हजूर दे जोड़े पाकां दे सदके नाल अपनी हाजरी कबूल फरमावे। वक्त वावा हो गया, दुआवां याद रखना। आशिक तेरियां अखियां मोबाइलां पिछे रह गईयां बई, आशिक तेरियां अखियां मोबाइलां पिछे रह गईयां, लुट गई जवानी तेरी, लुट गई जवानी तेरी, ओए नब्ज़ा ठंडियां पै गईयां। आशिक तेरियां अखियां मोबाइलां पिछे रह गईयां। मैं मुसलमान दी इज्जत, मेरे दोस्त ने मौलाना नसीम साहब उन्होंने शेर लिखे ने, सुना दें दो शेर सुनाने दे। तवज्जो है। ओ बैठी सी विच चार दीवारी, परदे दे विच लुक के सारी। मुसलमान दी इज्जत चार दीवारी च बैठी सी, इस तलीम ने मुसलमान दी इज्जत नूं बेपरदा कीता। ओ बैठी सी विच चार दीवारी, परदे दे विच लुक के सारी, नहीं कर दी परदा कवारी, हुण नहीं कर दी परदा कवारी, ओए अकलां किथे रह गईयां। आशिक तेरियां अखियां हुण मेरे खाजा दा फिर फैज सी आया। बोलते सही, सुभान अल्लाह। ओए
इस तलीम स्कूल दी ने मुसलमान दी धीआं दे सिरां तों चुन्नियां लाईआं नहीं ते मेरे चिश्ती ने आण के पवाईआं नहीं। फजले अहमद चिश्ती मेरे खाजा साहब ने आण के टोपी वाले बुरखे पवाए ने। मैं कहना साडे वर्गे बंदियां नूं तां पता ही कोई नहीं सी टोपी वाला बुरखा की हुंदा। हक्के साडे वर्गे बंदे नूं नहीं सी पता हुंदा टोपी वाला बुरखा की हुंदा है केड़ी शै वे। अज वेख बंदे बंदे दाढ़ी मुन्ना हुंदा है बीबी टोपी वाला बुरखा पाया पाया दाढ़ी मुन्ने बंदे मैं मंडी फैदाबाद दे वेखे ने जांदे ते बीबी टोपी वाले बुरखे जांदी है ते ओ फौरन पता चल जांदा भी जरूर चिश्तियां दी तकरीर सुनन वाला बंदा है। बोलना खैर होवे ऐसे दाढ़ी मुन्ने तू मैं एडियां एडियां दाढ़ियां वाले वार दियां जेड़े अपने हत्थी इज्जत अपनी छड्डो दे निकाल। बोल खैर होवी बोल खैर होवी अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे खाजा दा फिर फैज सी आया चिश्ती हक दा बयान सुनाया। मेरे खाजा दा फिर फैज सी आया चिश्ती हक दा बयान सुनाया। माहौल इस्लामी वेड़े आया माहौल इस्लामी वेड़े आया ओए फिर दिया घर विच बै गया। आशिक तेरिया अखिया अखिया बहला पिछे रह गया नसीम मुकदी गल मुकाइए नसीम मुकदी गल मुकाइए। जरा पी जाए जे जुमला बड़ा औखा बोलो खैर होवे सुभान अल्लाह। नसीम मुकदी गल मुकाइए निजाम जमहूर ते लानत पाइए। नसीम मुकदी गल मुकाइए निजाम यहूद ते लानत पाइए। ओ बच्चे बच्चियां स्कूलों छुड़ाइए बच्चे बच्चिया स्कूलों छुड़ाइए। रहमत रब दिया रहन गया आशिक तेरिया अखिया मदीने कोई नहीं रह गया। अल्लाह सुना।